हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ई पाठशाला इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, श्री आर आई टी कॉलेज ऑफ साइंस अकोला। इट्स अवर लेक्चर नंबर 7 इन विच विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियोडिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक पोटेंशियल। इन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी अस्यूम दैट पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट टुवर्ड ऑल थ्री एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या बताया गया कि ये जो लैटिस होते हैं, हमको पता है कि लैटिस प्लस बेसिस इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ये मेटल का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हमको पता है कि लैटिस के पास में बेसिस होते हैं, बेसिस मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुछ भी रह सकते हैं, ओके। तो उस केस के अंदर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन इस लैटिस स्ट्रक्चर में से फ्रीली मूव होता है। इसका मतलब क्या कि उस लैटिस का, उस एटम का इफेक्ट उस इलेक्ट्रॉन पे नहीं गिरता है, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बताया गया है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एज इन दैट पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट टूवर्ड ऑल थ्री एक्सिस अलॉन्ग एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। मतलब इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस किधर भी अगर मूव होता है तो वो कॉन्स्टेंट पोटेंशियल में मूव हो रहा है, ऐसे वहां पे एज्यूम किया गया है और उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोला गया है, ठीक है। और हमको पता है कि दोनों लैटिस के बीच का डिस्टेंस ए होता है। सो वी ऑफ एक्स इज अ पोटेंशियल वी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, ओके। इन थ्री डायमेंशन इट रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर, पोजिशन वेक्टर आर बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में देखा है, बट इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। जिस तरीके से क्वांटम थ्योरी का यूज करके बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ऐसा बोला गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है क्रिस्टल के अंदर से जो मूव होता है तो उसके ऊपर में कॉन्स्टेंट पोटेंशियल अप्लाई होता है, किधर भी वो मूव है क्रिस्टल के अंदर में उसके ऊपर में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये गलत है, उसके ऊपर में पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहता है। तो फिर पोटेंशियल कैसे रहता है? पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के ऊपर में एक्ट होता है और वो पोटेंशियल वैरी होता है पीरियोडिकली, दैट्स कॉल्ड वी से एज ए इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक पोटेंशियल। अब वो पीरियोडिक पोटेंशियल किस तरीके से आया है, सो देखो आगे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। हेंस फर्दर इट इज एज्यूम दैट पोटेंशियल इज अ पीरियोडिक, दैट इज इट चेंजेस एंड रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर ए पीरियोडिक टाइम टी एंड डिस्टेंस ए। तो उसके लिए हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दिस इज अ लैटिस व्हिच इज रिपीटेडली एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ए, ठीक है। ए इतने डिस्टेंस के बाद ये सेम लैटिस रिपीट हो रहे हैं और हर लैटिस के पास में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्लस जेडी से उसका चार्ज रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ठीक है। दोनों लैटिस के बीच का डिस्टेंस ए है और हर लैटिस के पास पे प्लस जेडी इतना चार्ज है, ओके। तो इतना पोटेंशियल यहाँ पे ऊपर में प्लस वी और नीचे माइनस वी रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव और न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, एंड इन नेचर वी नो दैट देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर से मूव होगा, मेटल के अंदर में जो लैटिस होता है उस लैटिस के अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव होगा, तब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से, अगर वो इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, थोड़ा दूर है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो उसके ऊपर में इस पॉजिटिवली चार्ज का पोटेंशियल एक्ट होगा। और पोटेंशियल कैसे एक्ट होगा, जब इलेक्ट्रॉन उसके उसमें से अगर मूव होता है तो अगर वो इसके क्लोज आता है तो वो इस तरीके से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और फिर उसके पास कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से वो उसके पोटेंशियल के बाहर निकल के आएगा, ठीक है, और फिर से जब वो आगे जाएगा तो फिर से अट्रैक्ट होगा, फिर से बाहर जाएगा, फिर से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी जो हमने एक्सटर्नली प्रोवाइड की है मेटल के अंदर में, ठीक है, और उस एनर्जी का यूज करके वो क्रिस्टल में से, मेटल क्रिस्टल में से मूव हो रहा है। तो
जब इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल से मूव होगा तो उसके ऊपर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का पोटेंशियल एक्ट्स होगा, वो भी पीरियोडिकली। अब पीरियोडिकली कैसे, कि यहाँ पे देखिए पर्टिकुलरली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास में ये वेल क्रिएट हुई है, फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद फिर से ये वेल क्रिएट हुई है, फिर एक पर्टिकुलर एट डिस्टेंस के बाद फिर से एक वेल क्रिएट हुई है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो इस लैटिस के पास से गुजरेगा वो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा और उसके पास की एनर्जी की वजह से फिर से वो अट्रैक्शन से बाहर निकलेगा, फिर से अट्रैक्ट होगा, फिर से बाहर निकलेगा, फिर से अट्रैक्ट होगा, इस तरीके से वो पीरियोडिकली इस तरीके से वो मूव होगा। अब ये डायग्राम उनको रिप्रेजेंट क्या करती है, देखिए ये डायग्राम रिप्रेजेंट करती है कि ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट, पहला लैटिस, उसके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पे पोटेंशियल था वो है सपोज वी ऑफ एक्स, ठीक है, जीरो टू डिस्टेंस पे वी ऑफ एक्स इतना पोटेंशियल यहाँ पे है। सेम पोटेंशियल ए इतने डिस्टेंस के पास रिपीट हो रहा है, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे वी ऑफ एक्स प्लस ए। सेम उसके बाद में यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहां से इतना ए, उसके बाद में यहां से इतना ट्वाइस ए, फिर यहां से इतना थ्राइस ए, फोर ए एंड सो ऑन। तो जब वो यहां पे रहेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर में पोटेंशियल एक्ट होगा वी ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ए, यहाँ पे वी ऑफ एक्स प्लस थ्राइस ए। और सबसे मजेदार बात यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पोटेंशियल वी ऑफ एक्स पे है वही पोटेंशियल वी ऑफ एक्स प्लस ए पे है, वही पोटेंशियल वी ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ए पे है, वही पोटेंशियल वी ऑफ एक्स प्लस थ्राइस ए पे है एंड सो ऑन, वही पोटेंशियल वी ऑफ एक्स प्लस एन ए पे है। मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे एक्स हो रहा है वी ऑफ एक्स, सेम पोटेंशियल रिपीट हो रहा है दूसरे लैटिस के पास में, इसीलिए इसको बोला गया कि इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक पोटेंशियल। मतलब जब इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन जब लैटिस में से मूव हो रहा है अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड, तो तीनों भी एक्सिस के ऊपर में किधर भी अगर वो मूव होता है तो उसके ऊपर कॉन्स्टेंट पोटेंशियल एक्ट होता है, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का बोलना था, बट इट इज नॉट ट्रू, इट इज रॉन्ग। फर्दर एज्यूम दैट अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम थ्योरी, फर्दर एज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन मूव इन अ पीरियोडिक, इलेक्ट्रॉन मूव इन अ क्रिस्टल, देन द पोटेंशियल एक्ट्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पीरियोडिक, सॉरी इट नॉट अ कॉन्स्टेंट, इट इज अ पीरियोडिकली वेरिंग पोटेंशियल, ओके। तो ये उसका मतलब हो गया, आफ्टर डिफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम टी द पोटेंशियल इज रिपीट एंड दिस पोटेंशियल इज सेम एज दैट ऑफ अदर लैटिस, ओके। सो वो पोटेंशियल देखिए कौन कितना रहता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम एन एटोमिक न्यूक्लियस फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन, the potential energy of electron is V is equals to minus Z e square upon 4 pi epsilon naught R। ये basic formula है Coulomb's law के अंदर का, basic formula आया है potential, ठीक है, क्योंकि finally is a electrostatic force of attraction, so here Z e is a charge on nucleus, R is a distance between the electron and the nucleus, and the negative sign indicates it that the potential energy is attractive in nature, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आया है पूरा, इसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक पोटेंशियल। और इसी कंसेप्ट का यूज करके ब्लॉच ने जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया वो मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब इसके अगले लेक्चर में देखें हम ब्लॉच थ्योरम कि ब्लॉच ने इसी कंसेप्ट को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।